शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं सियासी समीकरण, क्योंकि होने वाला है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि अलग अलग क्षेत्र में जनता का मूड क्या है, वो कौन से मुद्दे हैं जो 22 के महासमर में अहम साबित होंगे। 403 में हर सीट हर क्षेत्र की पड़ताल करेंगे। आज बात हाथरस विधानसभा सीट की। वैश्विक पटल पर हाथरस की पहचान हींग के कारोबार और रंग गुलाल से है। मशहूर कवि काका हाथरसी की जन्मस्थली भी हाथरस है। यहाँ हींग उद्योग से जुड़े 60 से ज्यादा कारखाने हैं। हाथरस की हींग खाड़ी के तमाम देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। औद्योगिक पहचान और साहित्यिक महत्व के साथ हाथरस विधानसभा सीट राजनीति के पटल पर अलग अहमियत रखती है। हाथरस विधानसभा सीट को 2017 विधानसभा चुनाव तक बीएसपी का गढ़ माना जाता था। दरअसल 1996, 2002, 2007 और 2012 विधानसभा चुनाव में लगातार बीएसपी ने जीत दर्ज की। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में तमाम समीकरण ध्वस्त हो गए और 1993 विधानसभा चुनाव के बाद से हाथरस सीट पर वनवास झेल रही बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हरिशंकर माहौर विधायक चुने गए। हरिशंकर माहौर को 1,33,840 वोट मिले, जबकि बीएसपी के ब्रजमोहन राही को 63,179 वोट मिले। हाथरस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,91,263 है। पुरुष मतदाता 2,15,178 और महिला वोटर्स 1,76,080 है। हाथरस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरणों को भी कम करके नहीं आका जा सकता। क्षेत्र में राजपूत आबादी 49,600, वैश्य 42,700, मुस्लिम आबादी 20,200 है, जबकि एससी आबादी 29,700 और ब्राह्मण आबादी करीब 42,300 है। हाथरस शहर में सबसे बड़ी समस्या जाम की थी, जो कि ओवरब्रिज निर्माण के बाद खत्म हुई। जिला अस्पताल को अपग्रेड किए जाने से लोगों को खासी राहत भी मिली है। हाँ, हाथरस में विकास हुआ है और हॉस्पिटल में भी नई मशीनें लगी हैं। सीटी स्कैन मशीन लगी है। हालांकि विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की तस्वीर कई सवाल उठाती है। दरअसल क्षेत्र की कई सड़कों की हालत खस्ता है। कोई रोड पर कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम दो साल ढाई साल रही, बिल्कुल बेकार है। अरे गड्ढा ही हाथों हाथ वर्गे से धड़ी धड़ बीतते हैं, साठ है ना बिल्कुल ना कोई। हाथरस विधानसभा क्षेत्र एससी वर्ग के लिए सुरक्षित है, लेकिन हाथरस 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी सुरक्षित साबित होगी, ये बड़ा सवाल है। हाथरस से उमाकांत पुंडीर के साथ टीम न्यूज स्टेट। विधायक हरिशंकर माहौर 2017 में लंबे वक्त बाद हाथरस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या विकास कार्य कराए हैं, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरे विधायक बनने के बाद मैंने यहाँ समस्याओं का जायजा लिया तो सबसे बड़ी मांग थी रेलवे के ओवरब्रिज की। 25 साल की डिमांड और यहाँ चार बार मंत्री रहे, ब्रिज कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे, तब नहीं बन पाया। पहली उपलब्धि जो हाथरस में हमने मंच से वायदा किया था कि हम इस पुल को बनवाएंगे। दूसरा, 23 वर्ष हो गए जिले में जेल नहीं बन पाई थी। इनके हाथरस जनपद के बाद जो जनपद बने हैं उनमें सब कुछ कार हो गए थे, वो जेल भी हम ले आए। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? ऐसा मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसी ऐसी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं और ऐसा कोई व्यक्ति बाकी नहीं, ऐसा कोई गांव बाकी नहीं, ऐसा कोई शहर बाकी नहीं जिसमें कि हमारे मोदी जी की और योगी की योजना का लाभ ना मिला।
इस बार जीते तो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर तो काम सब हो चुके हैं। मेरी प्राथमिकता ये है कि कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि अभी सरकार, अभी दिन है बाकी, तब तक हाथरस में एक मेडिकल कॉलेज को मैं ले आऊँ। मैं लेके आया भी था लेकिन किसी कारणवश वो पैसा रिलीज नहीं हो पाया है, और मैंने कल भी बात की है तो मुख्यमंत्री जी आगरा आए थे तब भी हमने कहा था, लेकिन उन्होंने हमसे कह दिया है कि हाथरस में हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मेडिकल कॉलेज और आ जाए, और एक राजकीय डिग्री कॉलेज सासनी में, ये भी बहुत बुरा पुरानी मांग है, एक वो बन जाए। उसके बाद मैं कम से कम जो किए हुए वायदे हैं उसमें मैं खरा उतरूं, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाथरस सीट पर लंबे वक्त तक बीएसपी का कब्जा रहा है, हालांकि यहां समाजवादी पार्टी को भी कम करके नहीं आका जा सकता। मौजूदा विधायक हरिशंकर माहौर के कार्यकाल पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास कार्य का ये झूठा पुलंदा अपना बांध के घूम रहे हैं, केवल घोषणा करते हैं, विकास कार्य कोई नहीं हो रहा है हाथरस। विकास कार्य के नाम पे जीरो है ये। शिक्षा तो इन्होंने बंद कर दी, स्वास्थ्य में जाओ यहाँ हाथरस बागला हॉस्पिटल में केवल रेफर सेंटर बना हुआ है, यहाँ से डॉक्टर भी नहीं है। अच्छे कोई डॉक्टरों के अगर पूछा जाए, हार्ट से आ जाए चाहे वो कैंसर का आ जाए, इनके डॉक्टर ही नहीं है हाथरस में। रेफर सेंटर के सिवा कोई काम नहीं है, न कोई ट्रामा सेंटर चल पा रहा, न कोई काम हो रहा। हम तो इस सरकार को देखने बताना चाहते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल फेल है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता पार्टी को वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, जनता को विकास दिखाई दे रहा है। 2012 के बाद आपने देखा होगा हमारा विकास के उद्घाटन ये करते चले आ रहे हैं। क्या उद्घाटन किया? हमने तालाब चौराहे का जो पुल बना है उसको हमने सैंक्शन कराया, और आज हम बता रहे हैं तमाम ऐसी सड़कें थी, हमने लोहिया गांव कराए, हमने जनेश्वर मिश्र कराए। लोहिया गांव 20 लाख रुपए से होता है सीसी रोड, जनेश्वर मिश्र 40 लाख रुपए से होता है सीसी रोड। हमने तमाम साइकिलें बंटवाई, लैपटॉप बंटवाए, हमारे विकास, नौकरी। अब हमारी सरकार जो अब दोबारा से मैं बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आप चैनल वालों को। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी पार्टी जीती जनता का विकास, लोगों के साथ न्याय और उनकी सुरक्षा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए जनता का क्या कहना है, सत्ताधारी दल और विपक्ष के तर्कों पर जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं, शहर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और शहर का विकास हो रहा है, और आगे जो एक और वो बड़ा काम करने जा रहे हैं जो राजकीय विद्यालय है वो बनवाने जा रहे हैं, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, विकास क्यों नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ है, शहर का हुआ है, क्यों नहीं हुआ? आप सब लाइटें देखिए, सारी लट्ठों पर लाइट देखिए, शहर के अंदर पुल देखिए, घंटाघर देखिए, तालाब देखिए। तो पुल पे जो मतलब जाम की जो समस्या थी और आने जाने बहुत दिक्कत होती थी मरीजों को भी, आम आदमियों को भी, उसके लिए विधायक जी ने यह शुभ कार्य किया है, मतलब पुल का जो मुद्दा उठाया है वो बहुत सराहनीय कार्य है उनका। और एक भी काम नहीं कराए, जो विकास का काम है सब जो बिल्कुल जीरो। विधायक जी पे जितना बना उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का क्षेत्र के लिए प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ कि पूर्व में भी 3 बार विधायक रहे हैं, समझे सुलझे हुए विधायक हैं, बड़े कामों के लिए उन्होंने प्रयास किया। यहाँ पर विधायक ने कुछ काम नहीं कराए हमारे बाजार में, तो कोई काम नहीं हुआ है उनका। क्या विधायक ने आपके सारे वादे पूरे किए? 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, हरिशंकर माहौर या बीजेपी वाले ये कहते थे ये गड्ढा मुक्त सड़क हो जाएंगी, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, केवल पुल के हिसाब से उनके लिए है, पर और कुछ नहीं फिलहाल उनके हिसाब से। ज़्यादा नहीं, सही है ज़्यादा, केवल यहाँ पे अगर किया है तो नेका देखा है तो आशीष शर्मा जी को देखा है। स्थानीय समस्याएं क्या है? समस्या तो निरी समस्याएं का मतलब जो है, एक तो वहाँ पानी की निकासी नहीं है रही, सड़क है तो टूट रही है, का है कोई काम नहीं कराया।
परेशानी का ये तो चलावे बाकी ना पे तो चलवे ही बेकार है। मेडिकल कॉलेज की समस्या है या बड़े जो शहरी समस्या जो है नाले वगैरह हैं, इस पे उन्होंने प्रयास किया पर काम अभी तक जमीन पे नहीं हो पाया। जैसे समस्या सबरी खराब है ना, पे पानी की भी समस्या खराब है, बत्ती की भी समस्या खराब है। सवेरे की बत्ती गई हुई है, अभी तक बत्ती नहीं आ रही है। एक तो गंदगी हमारी साइड में ज़्यादा रहती है, ये अब देखो नाली है, ये देखो इस कंडीशन कैसी है, अब देखो यहाँ पे इधर पर लगा के देखो। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सीट बरकरार रखने की चुनौती है, तो विपक्षी दल जीत का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 22 के महासमर में हाथरस सीट पर मुकाबला कड़ा होगा। रुकते हैं।